हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है और ये यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का यहां पर टोटल किया है मैंने। यहां पर देखिए, ये टोटल भी मैंने किया है, जैसे कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो भी सब्जेक्ट का इन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसका टोटल यहां पर होकर आया। ये देख सकते हैं, ये टोटल वाला कॉलम है, ये एवरेज वाला कॉलम है, ये मैक्सिमम वाला कॉलम है, ये मिनिमम वाला है, तो ऐसे ही सब में आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम ये चाहते हैं कि जिनका मार्क्स जो है 50% से ऊपर हो उनको हम एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर दें, उस रो को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर दें। जैसे ये जो है यहां पर, इसे हम एक पर्टिकुलर कलर देना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां से जाकर के हम ये पर्टिकुलर लगा सकते हैं कलर, तो ये लगा दिया हमने एक कलर। ठीक है, अब फिर हमें करना है तो फिर नीचे आएंगे और फिर यहां पर पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके एक कलर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यूज करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे, इसमें आसान मेथड क्या है और फॉर्मेट पेंटर का इसमें कैसे यूज करेंगे, एक ही बार में फॉर्मेट पेंटर का हम यूज कैसे कर सकते हैं, कई सारे कॉलम्स के लिए, कई सारे रोज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर तो हमने लगा दिया, अब इसे सेलेक्ट रखते हैं, इतना दूर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और यही सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर पे दो बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दो बार क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का शाइन आ जाएगा। दो बार मैंने क्लिक किया है, एक बार नहीं, एक बार भी क्लिक करेंगे तो भी इस तरह का शाइन आ तो जाएगा, लेकिन हमने दो बार क्लिक किया है। अब देखिए, अब इस पे मैं इसको चलाता हूं, एक ये चला दिया, अभी देखिए ये फॉर्मेट पेंटर हमारा बना हुआ है। ठीक है, अगर आप जनरल एक बार क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर गायब हो जाएगा। फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, देख सकते हैं अभी अभी भी ये बना हुआ है। अब देखिए, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये इसमें देखते हैं, ये इसके लिए भी हम कर लेते हैं एक बार, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये दो बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये फॉर्मेट पेंटर आपका काम करता रहेगा। ठीक है, और फिर अब क्या करना है, एक बार इसको क्लिक कर दीजिए, फिर ये हट जाएगा। देख सकते हैं, तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।